नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आज मैं जखनिया तहसील अंतर्गत जखनिया मैरिज हॉल पर उपस्थित हूं और एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया मानवाधिकार भ्रष्टाचार विरोधी फोरम के तहत, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहां के जो लोकल हमारे जो इसमें काम करने वाले तमाम नेता और पदाधिकारीगण द्वारा यह मीटिंग की गई और यहां पर कार्यक्रम रखा गया, उसमें हम लोगों को सूचना मिली और आज हम लोग भी इस कार्यक्रम में हमारे तमाम पत्रकार साथियों के साथ में यहां पर उपस्थित हूं। और यह जानने का प्रयास करूंगा कि मानवाधिकार सम्मेलन में जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम के यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहन राव नालवड़े जी हैं और तमाम इनके पदाधिकारी हैं, हमारे सम्मानित हमारे मित्र हैं, मैं उनसे भी बात कराने का प्रयास करूंगा, सारी स्थितियां मैं जानने का प्रयास करूंगा क्या यहाँ पर और मानवाधिकार जो ये फोरम है किस किस बिंदुओं पे काम करती है, मैं अध्यक्ष जी से जानना चाहूंगा और आइए मैं सीधे सीधे उनसे बात करने का प्रयास करूँ। सर परिचय दे दें। और मैं डॉक्टर मोहरा नलवड़े, ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम का अलीडा प्रेसिडेंट हूँ, और हमारा लोगों को जागरूक करना है कानून का बारे में और करप्शन कैसा हो रहा है, करप्शन निर्मूलन कैसा करना है, इसी का बारे में हम कन्याकुमारी टू कश्मीर तक हमारा यूनिट काम कर रहा है। कितना हमारा यूनिट में होता है उतना वो ये एंटी करप्शन है ना, करप्शन निर्मूलन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। करप्शन निर्मूलन होना है तो जागरूक होना है लोगों, हमारा सिटीजन क्या है कानून का बारे में उनको जागरूक होना है, कानून का बारे में जागरूक हुआ तो ऑटोमेटिकली करप्शन निर्मूलन होता है। इसीलिए हम सभी तहसील जिला और सभी राज्य में हमारा सभी लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम में अलग अलग विभाग किए, उसी में महिला विभाग अलग है, यूथ विभाग अलग है, ये कार्मिकों को प्रॉब्लम हो तो कार्मिकों के लिए लेबर विभाग अलग है और हेल्थ विभाग है, और एडवोकेट के लिए प्रॉब्लम हो तो नहीं तो एडवोकेट से कुछ काम होना है तो लीगल का बारे में लीगल विंग है, वैसे ही मीडिया विंग है, ऐसे सारे विंग करके वही लोगों को उधर इकट्ठा। डॉक्टर साहब, जनता ये थोड़ा सा मैं इस मीडिया प्लेटफॉर्म के नाते और मीडिया प्लेटफॉर्म में ये जानना चाहता हूँ, मानवाधिकार फोरम के तहत जो भी लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं से मुझे लगता है, आपको लगता है कि नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मानवाधिकार का जो इस समय है एंटी करप्शन जो आप चलाई जा रही है, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं जनता इस चीज को समझ नहीं पा रही है या फिर उसको समझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से अपने अधिकार का जो हनन हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार चाहूँगा। देखो अभी यही काम आप बताए ना, वही काम हम क्या पूछ रहे, वही काम हम कर रहे हैं। अभी हमारा कंट्री में 90% जागरूक नहीं हो रहा कानून का बारे में, उनको कानून का बारे में जागरूक होने का इंटरेस्ट भी कम है। हमारा इंडिपेंडेंस हो गया 75 ईयर्स हो गए ना, आज तक कितना लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में पता है, इसीलिए हम जागरूक कर रहे हैं। एटलीस्ट डेली क्या नीड्स है, वो कौन सा काम करते हैं, वो काम में क्या लीगल है और कानून का चौकट क्या है, उसी का बारे में तो इंटरेस्ट दे के वो सीखना पड़ेगा। इसीलिए पब्लिक भी उतना इंटरेस्ट नहीं दे रही, पब्लिक क्या सोचते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कौन की पॉलिटिशियन रहता है, एमएलए रहता है तो एमपी रहता है, तो पॉलिटिशियन के पास देना, पैसे देना, खर्चा करना, काम कराना, ये सोच रहे हमारा लोग। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर ऑफ इंडिया कौन स्टूडेंट्स है, यंगस्टर्स है, इसीलिए हम सारा कॉलेज और स्कूल में ये इसी के बारे में हम हर स्कूल हर कॉलेज में उनको नॉलेज देना है, लीगल अवेयरनेस करना है करके हम पूरा दुनिया में लीगल सर्विस अथॉरिटीज क्या है, सभी जगह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटी करके और ह्यूमन राइट कमीशन है उनका सपोर्ट लेकर हम प्रचार कर रहे हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जानकारी दी मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार विरोधी फोरम का जो आज यहाँ अधिवेशन एक तरह से मीटिंग रखी गई थी और लोगों को जागरूक करने का प्रयास, यहाँ के हमारे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर एम के यादव साहब हैं इनके तत्वाधान में और हमारे मित्र हैं आनंद जी हैं, सारे लोग हैं, तमाम लोग मेरे हैं और यहाँ जो मेरे परिचित हैं प्रमोद भाई हैं, सारे लोगों के द्वारा आज यहाँ पर इतनी बड़ी भारी संख्या में मानवाधिकार के तहत जो आज बताया गया
उसके बारे में आज चर्चा की गई, संगठन किस प्रकार से काम करेगा, लोगों को जो जानकारी नहीं है उसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से दी गई, तमाम मेरे वक्ता यहाँ पर थे उनके द्वारा दी गई। और मैं चाहूंगा कि लास्ट में मेरे यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित, क्या पूरे जिले के मैं कहूंगा प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर एम के साहब जी, मैं चाहूंगा कि दो शब्द आप भी बोलें। हम लोग ह्यूमन राइट करप्शन के बारे में पब्लिक के हर क्षेत्र में हमारा जो है चैनल काम कर रहा है, गांव, प्रदेश, जिला, हर स्तर पर हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सबका अधिकार क्या है, सबका अपना अपना मत क्या है, अधिकार क्या है, इसके बारे में हम लोग छोटे छोटे गांव, कस्बा, शहर में मीटिंग कर करके इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तत्वाधान में हम लोग ये सब जागरूक करने का प्रयास करें ताकि पब्लिक अपना अधिकार के बारे में जाने कि हमारा क्या अधिकार है, क्या राइट है। इसके लिए हम लोग हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला पे, हर स्तर पे, प्रदेश पे अपना हम लोग छोटे छोटे मीटिंग रख करके अपना कार्य करने में लगे हुए हैं और आप लोगों का सहयोग और हेल्प की ज़रूरत है, जितना इसमें जागरूक हों और हम लोग का दायित्व है कि इसके बारे में बताया जाए, जानकारी दिया जाए, यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, जनता को अपना अधिकार दिलाने का काम करना हम लोग का मतलब है ह्यूमन राइट का। यही हम लोग चाह रहे हैं कि सब लोग जाने कि इसका अधिकार मतलब क्या है, किसका क्या क्षेत्र में अधिकार है, किसका किस फील्ड में अधिकार है, किसका क्या महत्व है, किसका क्या जरूरत है। ये ह्यूमन राइट से हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, सारे हमारे पदाधिकारी गण हर जिले स्तर पर अपने लगे हुए हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन का प्रयास है कि सारे लोग अपने अधिकार को जाने और उसके लिए यह संगठन मानवाधिकार फोरम जो इनका संगठन है, यह लोग प्रयासशील हैं और हमेशा प्रयत्न कर रहे हैं कि जो जनता जिस चीज को नहीं जानती है, कानून की धाराओं से लेकर कानून के जो हमारा अधिकार है उसके बारे में, इनका प्रयास है कि सारे लोग जाने, अपने हक के बारे में जाने। उसी के इन सब कार्यों में जो है हमारे फोरम का अति महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है जो है, और ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहनराव नालोड़े जी के सानिध्य में हो रहा है। इसके लिए हम माननीय अध्यक्ष जी को बार बार बधाई देते हैं और इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देते हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं तो यादव से आग्रह करेंगे कि आप चंद शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करें। हम लोगों को बीच में जो आप लोग अपना कीमती समय दिए, बहुत अध्यक्ष जी ने हम लोगों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत आप लोगों का रूल नियम बताया, एंटी करप्शन का मतलब क्या होता है, क्या करना चाहिए, हमारा क्या अधिकार है, हमारा क्या मूल महत्व है, सब आप लोगों को जानते हुए इस बीच में अध्यक्ष जी के बात को सुनते हुए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी आखिरी बात का विराम करके समाप्त करता हूँ।